हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। तो अब हो चुके हैं सुबह, बज रहे हैं 6:30 और यहाँ सीटी कुकर में देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं। मैंने टांग लिया कबीर का बैग, ये हो गया कबीर रेडी। हम आ रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। फिर दूर रह गया कबीर का स्कूल, आने वाला है बस। कबीर कैसा लग रहा है? अच्छा, हेलो बोल दो फ्रेंड्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं छोड़ती हूँ और फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। फ्रेंड्स आ गई हूँ छोड़कर और मैंने ले ली हैं ये सब्जियाँ। रास्ते में दिख गए थे सब्जी वाले भैया, अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने लिया है खीरा, कद्दू। फ्रेंड टमाटर तो बहुत महंगे हो गए हैं, 40 रुपये के पाव। तो अभी मेरे पास पड़े हैं इसलिए मैंने लिया नहीं है। और ये भिंडी तोरी सब ले लिया है फ्रेंड, जो जो मिला, क्योंकि सब्जी डेली चाहिए होती है। ऑफिस जाते हैं मेरे हस्बैंड तो डेली सब्जी चाहिए होती है। तो चलिए फ्रेंड मैं पहुँच जाती हूँ घर, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई। तो फ्रेंड्स कबीर को ले आई हूँ, कबीर आ गया है स्कूल से और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कबीर के लिए खाना गरम, जो कि मैंने दी यहाँ पर दाल मखनी। तो ये अभी हो रही है गरम, अच्छे से मैंने इसमें सब कुछ बटर वगैरह अच्छे से डाल दिया है। अब ये हो रहा है गरम, हो रही है अच्छे से और मैं चावल भी करती हूँ गरम। और आज मैं आपको बताऊँगी दही और ये खीरा है, खीरे का रायता कैसे बनाऊँगी मैं अपने स्टाइल में। तो अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स पहले हमने खीरे को घिस लिया है, इसकी कड़वाहट निकाल देंगे। उसके बाद हमने इसको कर लिया है छिलके, बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे इसको छिलके को। छिलके निकालने के बाद हम इसको साबुत ही धो लेंगे, धो लिया है मैंने। और अब इसको हमें करना है कद्दूकस। आप मोटा कद्दूकस भी ले सकते हैं, बारीक भी, ऐसा बारीक भी यूज कर सकते हैं और मोटे वाला कद्दूकस भी ले सकते हैं। तो मैं इस बारीक में ही करूँगी इसको, अच्छे से हम कद्दूकस कर देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने हाफ कर लिया है खीरा को कद्दूकस, ये हम सैलेड में यूज कर लेंगे। और देखिए ऐसे कुछ हो चुका है ये हमारा, इसका हम पानी नहीं निकालेंगे क्योंकि हम दही में बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे। ये खीरा है, खीरे में ऑलरेडी पानी होता है। चावल हो चुके हैं कबीर के गरम, थोड़ी गैस को सिम कर देती हूँ। और फ्रेंड्स अब देखते, अब मैं इसमें जीरा और हींग का छोंक लगाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रख दिया है तवा, मैं बिना घी या तेल के ही इसमें छोंक लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैं ज़्यादा सा बना लूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि बार बार नहीं बनता ये चीज़ें। एक बार ही थोड़ा बना के रख लो तो मेरे 15 डेज तक चल जाता है ये। मैं इसमें लूँगी, मैंने लिया है जीरा। जीरे के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी हींग। हींग और जीरे को मैं इकट्ठा ही भून लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद इसको पीस के रख लेती हूँ एक कंटेनर। बाद इसको फ्रेंड्स हम दही में या कोई भी चाट बनाई है या कोई भी सब्जी में आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हाजमा भी रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्राई हो रहा है ये, हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जलनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स और ज़्यादा कच्ची भी, मतलब ऐसा भी ब्राउन कलर भी नहीं, थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाए ब्राउन सा। उसके बाद मैं इसको चकले में रख के या नीचे फर्श पे रख के साफ करके अच्छे से इसको बेलन से अच्छे से पीस सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी सारा प्रोसीजर। तो ये भी थोड़ा भुन जाएगा, अच्छा से लाइट ब्राउन करना है, खुशबू आने लगेगी फ्रेंड्स अपने आप जब ये भुनने लगेगा ना। तो देखिए फ्रेंड्स ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मैं कर दूंगी इसको बंद थोड़ा सा तब, क्योंकि तवा गर्म है और ऑलरेडी इतना तेज गर्म है अभी तवा कि इसमें एक बार और अगर मैं करूँ ना तो अच्छे से इसमें फ्रेंड्स सिक जाएगा ये। तो हम इसको निकाल लेंगे। हम मैंने यहाँ पे ले लिया ना रोटी बनाने वाला जो चकला होता है, देखिए रोटी बनाने वाले चकले से इसे थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा होकर करारा हो जाए, ताकि इसे पीसने में टाइम ना लगे। फ्रेंड्स खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, आप फील नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो खुशबू, बहुत पूरी किचन में खुशबू खुशबू हो गई है धनिया इसकी, जीरे और हींग की। अभी मैं इसको पीस के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ ले बेलन और अब इसको मैं ऐसे पीस लूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरे एक हाथ में ना वो है फ़ोन, तो मैं आपको अच्छे से करके बताती हूँ, बस ये आराम से हो जाता है। मैं आपको पीस के दिखा देती हूँ, इससे भी दरदरा सा ही कूटना, ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाना है, फिर टेस्ट ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा मैं इसको दरदरा, क्योंकि ये करारा रहेगा ना, गरम गरम ही पीस लें फ्रेंड्स, करारा रहता है। तो ये अच्छे से इसमें ये दही में डाल के खाई ना फ्रेंड, कभी भी दही आपको नुकसान नहीं कर सकती। अगर आप रात को भी दही खा रहे हैं, वैसे तो रात को ज़्यादातर खानी नहीं चाहिए फ्रेंड, बट अगर आप खा रहे हैं तो ये ज़रूर बना के रखें। आप इसमें पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा पुदीने का चूरा मैं जो बना के रखती हूँ, पुदीने का चूरा भी आप डाल कर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छा बन चुका है ये ना मिक्सी में, क्योंकि इतना सी चीज़ तो फ्रेंड मिक्सी में पीसेगी भी नहीं।
अब मैं इसे कंटेनर में डाल दूंगी और ये एयर टाइट कंटेनर है फ्रेंड्स, इसमें ये सीलेगा भी नहीं, उसकी खुशबू भी बाहर नहीं जाएगी। तो और ये डाल लेंगे हम अपनी दही में। तो अभी हम बनाते हैं दही। तो देखिए फ्रेंड, ले लिया हमने दही, ये एक पाव दही भी नहीं है, मैं सिर्फ 10 रुपये की दही लेके आई हूँ। तो हमने ले लिया है दही, दही में हम डाल देंगे ये जो हमने खीरा को अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, खीरा डाल दिया हमने इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे, खीरा ऐड कर लिया है, हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, नमक डाल दिया है। आप इसमें काला नमक भी ऐड करें ज़रूर, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड, और बहुत ही अलग टेस्ट आता है काला नमक का। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें फ्रेंड्स आप। और यहाँ मैंने डाल दी है थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि कभी नहीं खाएगा, कभी दही नहीं खाता है, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना रही हूँ फ्रेंड्स। वो जो मैंने धनिया वो पौधी वो करा था ना, उसको भुना था, उसकी जो वो चढ़ रही है ना, उसकी गले में जा रही है खुशबू, बोला भी नहीं जा रहा। जीरा और हींग की जो खुशबू वो गले में चली गई। और फ्रेंड्स हमने इसमें क्या डालना है, हमारा मेन यही, देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स देखने में ही। ये आप ज़रूर बनाएं तो आपको देखिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा इसका ना, बहुत ही। और आज कई लोग बनाते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर जो नहीं बनाते, मेरी उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर बना के रखें। इसको हम अच्छे से शेक कर लेंगे। और हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स घर का पुदीना है ये, मतलब है तो मार्केट का, मगर देखिए मैंने पुदीने को हमेशा आपको मैं बताती हूँ, वीडियो में बताती रहती हूँ। देखिए इसको सुखा के रख लिया, अच्छे से पहले धो लिया था उसको सुखा के, थोड़ा थोड़ा ये मोटा है दरदरा, तो मैं इसको हाथ में ही ऐसे क्रश करके इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको दरदरा सा कर लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसका दो दो टेस्ट होगा ना फ्रेंड, दो गुना हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लग रहा है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा दरदरा मोटा पीसना चाहें ना इसको, तो मोटा भी पीस सकते हैं खीरे को ना, मोटा भी कद्दूकस कर सकते हैं थोड़ा वो। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा मोटा मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने थोड़ा छोटे वाले कद्दूकस से ही मैंने इसको क्रश किया है, इस वाले से। आप वो वाले से मोटे वाला जो होता है ना थोड़ा, उससे भी ऐड क्रश कर सकते हैं उसको। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आज का खाना मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने खीरा कट कर लिया है, कबीर के लिए रखूँगी फ्रेंड्स, सब कुछ कबीर के लिए, अगर खाता है ठीक है, नहीं खाता रखना चाहिए फ्रेंड्स। जो हम खाते हैं ना घर में, कुछ भी बनता है बच्चों के सामने, कभी ना कभी तो वो एक दो पीस उठाएंगे, तो उनको ऐसे हैबिट बनी रहेगी, सैलड वगैरह ज़रूर रखना चाहिए। और थोड़ा सा मैं इसमें सिंपल नमक भी ऐड कर दूँगी, चाट मसाला और वो। और मैं अपने के लिए अलग से नींबू रखती हूँ, क्योंकि कबीर तो खाता नहीं है खट्टा, इसको कोल्ड हो रहा है जल्दी से फ्रेंड, खट्टा खाने से ना तो नहीं खाता है वो। तो चलिए उसको मैं देती हूँ सिंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने लगा लिया कबीर के लिए खाना, राइस ले ली है, कर्ड ले ली है, और ये सैलेड ले लिया है, यहाँ पे ले लिया दाल मखनी। देखता है कितना खाता है थोड़ा बहुत ही फ्रेंड्स, मुझे पता है वो तो राजमा और राइस ही खाता है, ये राजमा दूंगी, दाल नहीं दूंगी ज़्यादा। और फिर देखते हैं क्या क्या खाता है कबीर और क्या नहीं खाता। हम करते हैं लंच का एंजॉय, और आप भी करिए लंच का एंजॉय, क्योंकि लंच का जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तब पता नहीं लंच का टाइम हो रहा होगा, ब्रेकफास्ट का या फिर नाइट का। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, अब बन रहा है मेरा खाना। तो मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ देखिए दाल और पालक, ये मैंने पालक को कट कर लिया, अच्छे से धो लिया है। और मैंने यहाँ पे दाल ली है, ये वाली मूंग की दाल ली है, ये मूंग की दाल होती है ना जो बिना छिलके वाली होती है, तो वो वाली ली है मूंग की दाल और पालक। इसकी रेसिपी मेरी वीडियो में है आपके पास, आपको मिल जाएगी अगर आप दाल पालक की रेसिपी देखेंगे। तो आज मेरे खाने में बन रहा है दाल पालक। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।